के कार्यकर्ताओं ने सांसद सुनील सोनी के निवास का घेराव किया। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और कहा कि केंद्र सरकार ने केवल झूठे वादे किए हैं। केंद्र ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिला। जैसे केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वो प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, अभी अगर उनके वादों को देखा जाए तो पूरी तरह बेबुनियादी वादे हैं। हम समस्त एनएसयूआई के कार्यकर्ता अभी बेरोजगार हैं। हम एमबीए और लॉ के स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिग्री धारण कर रखी है, लेकिन वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। इन मांग को लेकर हम आज सुनील सोनी सांसद जी के निवास आए हुए हैं और अपने रोजगार की मांग को लेकर के उनके नौकरी दो या कफन दो के नारे के साथ उनके बंगले का घेराव कर रहे हैं।